मुझे लगता था ये पोकेमोन असली नहीं होते, कार्टून है कार्टून। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पोकेमोन सिर्फ एक कार्टून है तो जियान है आप। एनीवेज सो गाइस, अगर आप लोग मेरी तरह पोकेमोन के डाई हार्ड फैन हो, तुमने पोकेमोन के सारे एपिसोड सीजन एंड मूवीज को देख लिया है, सो गाइस टाइम आ चुका है पोकेमोन गेम्स को खेलने का। पोकेमोन यूनाइट, पोकेमोन गो एंड पोकेमोन मास्टर एक्स के अलावा तुम्हें कोई दूसरा गेम पता नहीं होगा जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। अरे तू जा रही। सो हेलो गाइस, इट्स मी मनीष, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जो कि आज तुम्हें बताएगा पांच सबसे बेहतरीन तगड़े लेवल के पोकेमोन गेम्स, जिन्हें कि तुम लोग अपने दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल पाओगे एंड सभी गेम्स के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इन गेम्स के अंदर आपका मेन एस्पेक्ट होगा नए नए पोकेमोन्स को पकड़ना एंड उन्हें ट्रेन करके और भी ज्यादा पावरफुल बनाना टू बिकम अ पोकेमोन मास्टर। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मतलब वेरी बैड मैनर्स जो बोलते हैं ना वो तुम लोग यहाँ पर कर रहे हो, तो देर किस बात की है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वाली वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हें पोकेमोन का सबसे बेस्ट वाला रीजन कौन सा लगता है। तो वीडियो के ऊपर 100 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, आई होप कि आप लोग पूरा करवा दोगे। तो यहाँ पर से वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर 1 पोकेमोन गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला नंबर 1 गेम है एल्फ एक्सप्लोरर। सो गाइस ये एक ब्रांड न्यू पोकेमोन गेम है जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। सो इस गेम का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, मतलब कि ठीक वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए। आपको इस गेम के अंदर एडवेंचर से भरी हुई जर्नी पर जाने का मौका मिलेगा, इस बीच में आपको काफी सारे पोकेमोन्स पकड़ने होंगे एंड उन्हें ट्रेन करना होगा। इस गेम के अंदर आपका सामना होगा काफी सारे ट्रेनर्स एंड अलग अलग शहर के जिम लीडर से, जिन्हें आपको हरा के बैजेस कलेक्ट करने होंगे। कंप्लीट करने के लिए काफी सारे मिशंस होंगे एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से मल्टीप्लेयर है। कमाल की बात यह है कि आपको इस गेम के अंदर डियाल्गा, पालकिया, रेक्वेजा जैसे रहस्यमयी पोकेमोन देखने को मिलेंगे, जिन्हें कि आप लोग कैप्चर कर सकते हो। इनफैक्ट इस गेम के अंदर आप लोग को मेगा इवोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी तगड़ी बातचीत है एंड मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेसिकली ये एक 3D पोकेमोन गेम है जिसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। 773 MB इस गेम का साइज होगा एंड ये गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ओवरऑल गेम काफी अच्छा है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। बड़ा जय अपनी सीरीज के अंदर आगे एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 2 पोकेमोन गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है मॉन्स्टर आइलैंड। आई थिंक इस गेम के बारे में कुछ व्यूवर्स को पहले से पता होगा, बिकॉज ये वाला गेम ना थोड़ा सा पुराना है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन गेम में से एक है। सो इस गेम के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पर आपके पास में अलग अलग चैप्टर्स होंगे कम्प्लीट करने के लिए। स्टोरी लाइन जो है वो आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगी। आपको पोकेमोन मास्टर बनने के लिए सफर पर निकलना होगा। इस पूरी जर्नी में आप लोग अलग अलग सिटीज में जाओगे एंड वहाँ के पोकेमोन्स को पकड़ोगे एंड उन्हें ट्रेन करोगे, और ये काम आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी कर सकते हो बिकॉज ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। यहाँ पर आपको जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 9 तक के सभी तगड़े लेवल के पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कि आप लोग मेगा इवॉल्व कर सकते हो। बाकी इस गेम के अंदर आप लोग को ग्लोबल बैटल का सपोर्ट मिल जाएगा। नो डाउट गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी होगी। अराउंड 600 MB इस गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो अगर आप लोग को ये वाला गेम ट्राई करना है तो आप लोग कर सकते हो, गेम काफी बढ़िया है। बढ़ा जाए अपनी वीडियो के अंदर आगे एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 3rd गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला 3rd गेम है मॉन्स्टर इवोल्यूशन गो। सो गाइस ये एक हाई ग्राफिक्स पोकेमोन गेम है जिसका प्ले स्टोर के साथ में 36 का आंकड़ा है, मतलब कि ये गेम प्ले स्टोर के ऊपर कई बार लॉन्च हो चुका है लेकिन इसको हर बार प्ले स्टोर रिमूव कर देता है। एनीवेज ये एक कमाल का 2D पोकेमोन गेम है जिसके अंदर आपको 3v3 का बैटल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। पिछले दोनों गेम की तरह यहाँ पर भी आपके पास में डिफरेंट टाइप के पोकेमोन होंगे, जिन्हें कि आप लोग कैप्चर कर सकते हो। बेसिकली इस गेम के अंदर भी आप लोगों को मेगा इवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पोकेमोन को ट्रेन करना होगा, उसका लेवल अप करके उसको मेगा इवोल्यूशन के काबिल बनाना होगा एंड उसके बाद में आप लोग मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको काफी सारे चैप्टर्स क्लियर करने होंगे एंड जेन्युइनली में इस वाले गेम को जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। 1.2 GB के अराउंड इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। सो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया एंड आप लोगों को ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहेगी। सो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ा जाए अपने वीडियो के अंदर आगे एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 4th गेम की।
सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला फोर्थ गेम है पोकलैंड लेजेंड्स। सो गाइस ये सीरीज में आने वाला इकलौता ऐसा गेम है जिसे कि मैं पहले के टाइम पर खेल चुका हूँ एंड ये गेम सच में मेरे को काफी पसंद था और पसंद क्यों था अब सुनो। सो ये एक 3D पोकेमोन गेम है जहाँ पर आपको ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिल जाएगा सीरीज में आने वाले बाकी गेम्स की तरह। यहाँ पर आपको जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 9 तक के सभी नॉर्मल प्लस में रहस्यमय पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें कि तुम लोग कैप्चर करने के साथ में मेगा इवॉल्व कर सकते हो। आपके पास में एक नॉर्मल साइज का ओपन वर्ल्ड मैप होगा जहाँ पर आप लोग दूसरे ट्रेनर्स को बैटल के लिए चैलेंज कर पाओगे और यहाँ पर आपको ग्लोबल बैटल का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर तुम लोग पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो। 900 MB इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। सो गाइस आप लोग इस वाले गेम को भी ट्राई कर सकते हो, गेम काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला पांचवा और आखिरी गेम है वन एंड ओनली मॉन्स्टर वर्ल्ड ट्रेनर्स। सो गाइस अगर आप लोगों ने पहले भी कुछ पोकेमोन गेम्स को खेला है तो इस वाले गेम के बारे में तुम्हें डेफिनेटली पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गेम के अंदर आपको बड़े साइज का ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास में ऑप्शन होगा दोनों में से किसी भी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने का। यहाँ पर आपको कमाल के सिनेमैटिक्स और काफी सारे तगड़े लेवल के रहस्यमय पोकेमोन देखने को मिलेंगे जैसे कि रेक्वेसा, म्यूटू, ज़ेक्रोम एंड और भी काफी सारे। वैसे तो ये एक ऑफिशियल गेम है लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको इस गेम के अंदर स्टोरी मोड और मेगा इवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोगों को पीसी लेवल की देखने को मिलती है एंड सभी गेम्स की तरह ये भी एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसे कि तुम लोग दोस्तों के साथ में बड़े ही आराम से खेल सकते हो। अराउंड 1 GB इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम भी पूरी तरीके से ऑनलाइन है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को पांचों के पांच ऑनलाइन मल्टीप्लेयर पोकेमोन गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है इस वाली सीरीज को यहीं पर एंड करने का। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो बनाने के एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो आप लोग अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दो। फ्यूचर में ऐसी कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आप लोगों को 2024 में लॉन्च हुए मल्टीप्लेयर गेम चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना एंड अगर आप लोगों को लोकल मल्टीप्लेयर में कोऑप का सपोर्ट चाहिए तो आप लोग राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।